दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और साथ ही आपको बता दें कि अभी की ऐसी बड़ी खबर है जो चौंकाने वाली है। एक चलती हुई रोडवेज बस थी जिसमें साथियों ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया, यात्रियों से भरी हुई बस और साथियों जिस तरह से बेहोश हुआ है और साथियों बस पूरी तरह से कुचलती हुई निकल गई वहीं पर साथियों आसपास से खड़े लोगों को। साथियों इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के चरखी दादरी में बुधवार को ड्राइवर चलती रोडवेज बस में बेहोश हो गया। लोहारू रोड पर बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी ई रिक्शा व रेहड़ियो को टक्कर मारते हुए बिजली के पोल से टकरा गई। बस को बेकाबू देख सड़क पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि रिक्शा में सवारियां नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। जब बस ड्राइवर को चोटें आई हैं। रोडवेज के किलोमीटर स्कीम में कि बस नारनौल से चरखी दादरी आ रही थी। युवक बोला बस में कंडक्टर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर के अलावा 3 से 4 लड़कियां ही थी, उन्होंने चोटें नहीं आई। जब लोगों ने ड्राइवर को संभाला तो वह बेहोश था, इसके बाद तुरंत उसे अस्पताल में पहुंचाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।